नमस्कार, कक्षा नौमी विषय विज्ञान पार्ट 3 परमाणु एवं अणु। हमने परमाणु और अणु के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद में उसके आणविक द्रव्यमान के बारे में और इकाई द्रव्यमान के। अब हमारे पास हम मोल संकल्पना के अनुसार हम देखते हैं क्या है कि किसी स्पीसीज यानी किसी भी एक मोल के लिए किसी स्पीसीज परमाणु अणु या आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी एक मोल के बराबर किसी भी स्पीसीज है उसके परमाणु हो चाहे अणु हो या आयन हो उनके बराबर होगी। जितना द्रव्यमान उसका होगा वो एक मोल यानी मोल के बराबर है। अब है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। यानी कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो मोल होंगे उन कणों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, जिसका मान 6.022 × 10³³ होता है। यानी इसका जो मान होता है प्रायोगिक मान जो है 6.022 × 10³³, जो कि हमेशा एक निश्चित होता है, ये नहीं है कि ये चेंज होगा। और ये मान एक प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। यानी इस मान को हमने प्राप्त किया तो वो एक प्रैक्टिकली विधि है, न कि कोई सिद्धांतिक प्रायोगिक के द्वारा। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं और इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अवोगाद्रो स्थिरांक। यानी इसे जानेंगे वो अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है, तो वो है 6.022 × 10³³, जिसे एन नोड से निरूपित करते हैं। जिसे हम क्या किसे निरूपित करेंगे, एन नोड जिस जीरो लगाया हुआ है इसे पर निरूपित करते हैं। एक मोल के बराबर मान होता है 6.022 × 10³³, जिस प्रकार एक दर्जन बराबर 12 होता है और एक ग्रुस बराबर 144 होता है, उसी प्रकार एक मोल बराबर 6.022 × 10³³ है। इसे अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या इसलिए दिया गया क्योंकि इतावली के वैज्ञानिक एमडीओ अवोगाद्रो के सम्मान पे इसको अवोगाद्रो स्थिरांक नाम दिया गया। अब है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या, देखो किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी तत्व है उसके परमाणु में जो द्रव्यमान होगा उसे हम किसे कहेंगे, मोलर द्रव्यमान। से हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा परंतु इकाई यू से जी में परिवर्तित करना होगा। हम किसी का तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान लेते हैं तो उसे यू द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी कि जैसे हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान एक यू है, तो उसे हम अब किस में लेंगे, एक ग्राम में। तो उदाहरणतः हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर एक यू होता है, एक यू का मतलब है उसकी इकाई, तथा अतः हाइड्रोजन का अब हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान किस में लेंगे, एक ग्राम के अंदर। इसमें हमें द्रव्यमान को यू से ग्राम में परिवर्तन करना होगा। अब दूसरा का है कि 12.044 × 10³³ हीलियम परमाणु की संख्या से हमें कणों की संख्या का मोल प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करें कि परमाणुओं की संख्या यानी दिए गए कणों की संख्या है बारह दशमलव 044 × 10³³ और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10³³। मोल निकालने के लिए मोल बराबर 10³³ बट्टा अवोगाद्रो संख्या। अर्थात स्मॉल n बराबर कैपिटल n बट्टा n नॉट। n का मान है 12.044 × 10³³ बट्टा 6.022 × 10³³। तो इसे करेंगे सॉल्व तो आएगा 2। यानी हीलियम के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2। अब अगला उदाहरण है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। पहले हमने मोल निकाले थे, इस बार हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। जिसके लिए सबसे पहले दिया है 0.5 मोल N2 गैस, जिसके अणु के मोल से हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, जिसे हमें निकालना है। और फिर दे रखा है कि मोल, मोलों की संख्या को हम प्रेजेंट कर रहे हैं n से। n बराबर है 0.5 को करना है। इसके लिए क्या है, N2 गैस हमारे पास जो मोलर द्रव्यमान है कैपिटल M, जिसका मान दे रखा है N2
एन टू है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और 2 है तो इंटू 2 बराबर 28 ग्राम, ये निकल गया मोलर द्रव्यमान हमारे पास। हमने पता है कि मोलों की संख्या निकाली तो एन बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान था। अब हमें द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, एम को इस साइड ले जाएंगे तो स्मॉल एम बराबर एन इंटू एम, तो एन का मान कितना है 0.5 और एम का मान 28 करेंगे तो आंसर आएगा 14। अब दूसरे में 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का मोल से द्रव्यमान, यानी मोल का मान वापस है 0.5 लेकिन मोलर द्रव्यमान है उसका मान है चेंज है, उसका मान क्या दिया एन, नाइट्रोजन अकेला है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14, तो इसका मान कितना आएगा 14। फिर वही बात है कि एम बराबर यानी दिया गया द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान, तो एम बराबर 0.5 गुणा 14 बराबर 7, यानी इसका आंसर कितना है 7। अब तीसरा 3.011 गुणा 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या, यानी संख्या से हमें क्या निकालना है द्रव्यमान। इसके लिए निकालेंगे तो हमें सबसे पहले मोल निकालना है, मोल एन बराबर होता है दिए गए कणों की संख्या बट्टा कणों की अवोगाद्रो संख्या। अब हमारे पास दिए गए कणों की संख्या की मान है 3.011 गुणा 10 की घात 23 और मोलर द्रव्यमान कणों का अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 गुणा 10 की घात 23, जब इसका सॉल्व करेंगे तो 0.5, यानी हमारे पास मोलों का मान आ गया, एन का मान 0.5। अब हमें निकालना है कि दिया गया मोलर द्रव्यमान कितना है, उसके लिए नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, एम बराबर नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो एन एम बराबर एन इंटू एम, एन का मान कितना दिया है 0.5 जो हमने निकाला है इंटू, और एम का मान कितना है 14, तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 7, यानी 3.011 गुणा 10 के घात 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या का द्रव्यमान कितना होगा 7। अगला है 6.022 गुणा 10 की घात 23 N2 अणुओं की संख्या। अब हमें नाइट्रोजन का निकालना है N2 का, तो इसका N निकालने के लिए मोलों की संख्या N बटा N नोट, N का मान है 6.022 गुणा 10 की घात 23 और अवोगाद्रो संख्या का मान भी 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, सोल्व करेंगे तो आएगा 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन मोलर का द्रव्यमान कितना होगा N2 का 28, क्योंकि 1 का होता है 14, 14 इंटू 2 बराबर 28 ग्राम। अब इसको निकालेंगे हम कणों की संख्या, तो मोलर द्रव्यमान M बराबर N इंटू एम, एन का मान कितना है 1 गुणा एम का मान 28, तो बराबर उत्तर कितने आ जाएंगे 28।